18 साल के आओ फिर तुहानू असीं ट्रेनिंग देवांगे, 21 साल के तुहानू रिटायर कर देंगे। मतलब 21 साल का नौजवान सबका फौजी बन जूगा, सबका सैनिक बन जूगा, उदों बाद जिंदगी च कित्थे जाणगे उह। ये आप तो लीडर जिहड़े ने 80-80 90-90 साल के हो के तो इलैक्शन लड़ते हैं, तो साढ़े तीन पुत 21 साल से रिटायर कर रहे हो तुसीं। ये बहुत गलत फैसला है, इहनू वापस लेना चाहिए सारे देश के विच नौजवानों च। देखो नौजवान देश वास्ते अपनी जान देने नूं तैयार ने, कितनी मेहनत करके वो सड़कों पर भज के भी जे कई हालात है जिन्हें कि स्टेडियम नहीं है वो फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, उस तो बाद फिर लिखती करते हैं, उस तो बाद उन्हें ड्यूटियां लगदी हैं ग्लेशियरों, ड्यूटियां लगदी हैं जैसलमेर के टिब्बों, जो असी एसी ला के पे हों 50 डिग्री सैलसीयस काम कर रहे होंगे ने, जो असी अपने परिवारों बच्चों जोड़ा हीटर ला के पे हों उत्थे -20 डिग्री काम कर रहे होंगे ने। कि सिर्फ दो तीन वास्ते साल वास्ते उन्होंने तो मजाक उड़ा रहे हो उन्होंने जिंदगी का। सो जिन्ना चिर वो देश की सेवा करनी चाहते हैं उन्होंने उन्नी करनी चाहिए है, जी भर्ती है वो पुरानी प्रक्रिया मुकाबले होनी चाहिए। फंड बड़ा लग जाता है किसी पास लाके, अगर उन्होंने पेंशन देनी होंगी या होर चीज़ों जो जो उद्योगपतियों को देना होंगे फंड उदों पता नहीं कितों आ जाता है, लोगों को देने बारी फंड कट जाते इन्हों। सो इस गल का सख्त विरोध करते हैं जिहड़े इन्होंने अग्निपथ, ये बहुत काले कानून ने, यह इन्हों वापस लेना चाहिए ताकि देश का नौजवान जो है वो देश की सेवा कर।